कैपिटल्स ने आईपीएल 13 के 34वें मैच में 3 बार के चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर पॉइंट्स टेबल में फिर टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। शारजाह में शनिवार शाम खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाए, जिसके बाद कैपिटल्स ने शिखर धवन की सेंचुरी के दम पर 19.5 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। दिल्ली के लिए ओपनर शिखर धवन ने बेहतरीन अंदाज में खेलते हुए नाबाद 101 रन बनाए और जीत में अहम योगदान दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ओपनर फैफ डु प्लेसिस ने 58 रन बनाए, जबकि अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा ने नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी की। पॉइंट्स टेबल में फिर टॉप पर दिल्ली। युवा श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम दिल्ली इस जीत के साथ 14 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। फिलहाल मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की 6-6 मैचों में जीत के साथ 12-12 अंक है। 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर धवन का शतक पूरा। ओपनिंग करने उतरी शिखर धवन अंत तक जमे रहे। उन्होंने 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल से धवन ने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक पूरा किया। इसी ओवर की पहली गेंद पर एलेक्स कैरी को 2 प्लेसेस ने कैच किया, फिर धवन ने अंतिम गेंद पर सिंगल से शतक पूरा किया। अय्यर और धवन ने जोड़े 68 रन। दिल्ली के 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद कैप्टन श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने मोर्चा संभाला। दोनों ने मिलकर 3rd विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की। श्रेयस अय्यर को 23 के निजी स्कोर पर डिवेन ब्रावो ने 5 प्लेसेस के हाथों कैच करवाया और इस साझेदारी को तोड़ा। अय्यर ने 23 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। धवन ने फिर मार्कस टोनियस के साथ 4th विकेट के लिए 43 रन जोड़े। 14 गेंदों पर 1 चौके और 2 छक्कों की मदद से 24 रन बनाकर चलते बने। 26 रन तक गिरे दिल्ली के 2 विकेट। 180 रन के टारगेट का पीछा करते हुए दिल्ली के 2 विकेट 26 रन तक गिर गए थे, जब आज के रहाणे को 15वें ओवर की पहली गेंद पर दीपक चाहर ने सैम करन के हाथों कैच करा दिया। पारी की दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शो को भी चाहर ने पवेलियन की राह दिखाई। रायडू और जडेजा की आतिशी पारियां। चेन्नई के लिए अमाती रायडू और रविंद्र जडेजा ने आतिशी पारियां खेली और दोनों के बीच अर्धशतक की साझेदारी की वजह से चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 179 रन बनाए। ओपनर फैफ डु प्लेसिस की अर्धशतक के पारी के बाद आखिरी ओवर में रायडू और जडेजा ने शानदार खेल दिखाया। चेन्नई ने अंतिम 5 ओवर में जोड़े 57 रन। 3 बार की चैंपियन टीम चेन्नई के बल्लेबाजों ने आखिरी 5 गेंदों में 67 रन जोड़ी, जिसमें जडेजा ने 13 गेंद में 4 छक्कों की मदद से नाबाद 33 और रायडू ने 25 गेंद में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से नाबाद 45 रन बनाए। दोनों ने महज 21 गेंदों में 50 रन की साझेदारी की। पारी की तीसरी गेंद पर ही लौटे सैम, फिर जमे वॉटसन और फैफ डु प्लेसिस। इससे पहले फैफ डु प्लेसिस ने शेन वॉटसन के साथ 2 विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की और बाद के बल्लेबाजों के लिए मजबूत नींव रखी। चेन्नई के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला उस समय गलत लगा जब युवा तेज गेंदबाज तुषार पांडे ने शुरुआती ओवर की तीसरी गेंद पर ही चेन्नई के ओपनर सैम कुरैन को खाता खोले बिना ही पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कगिसो रबाडा का पारी का दूसरा ओवर मेडन रहा। फैफ डु प्लेसिस के आईपीएल करियर की 16वीं 50। वॉटसन के तीसरे ओवर में देशपांडे के खिलाफ 2 चौके, जबकि फैफ डु प्लेसिस ने नौत्रिजी के खिलाफ 5वें ओवर में 6 छक्के और 2 चौके लगाकर अपने हाथ खोले। इसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने इस अनुभवी जोड़ी को तेजी से रन बनाने से रोके रखा। दोनों ने हालांकि अश्विन की पारी के 10वें ओवर में 15 रन और देश पांडे की 11वें ओवर में 14 रन बटोरे। फैफ डु प्लेसिस ने इसके बाद 12वें ओवर में 1 रन के साथ 39 गेंद में आईपीएल करियर का 16वां और मौजूदा सीजन का 4th अर्धशतक पूरा किया। नॉर्थजी ने तोड़ी साझेदारी। अगली गेंद पर नॉर्थजी ने वॉटसन को बॉल कर दोनों के बीच 2 विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी को तोड़ दिया। वॉटसन ने 28 गेंद में 6 चौकों की मदद से 36 रन बनाए। फैफ डु प्लेसिस को इसके बाद अक्षर पटेल की गेंद पर जीवनदान मिला, जब शिखर धवन ने उनका कैच टपका दिया। वह हालांकि इसका फायदा नहीं उठा पाए और 15वें ओवर में रबाड़ा की इस गेंद पर धवन ने उनके मुश्किल कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। उन्होंने 47 गेंद की पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। रबाड़ा की फास्टेस्ट विकेट्स की 50। दिल्ली के पेसर कगिसो रबाड़ा ने आईपीएल में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने 27वें मैच में ही 50 विकेट पूरे किए। इससे पहले सुनील नारायण के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 32 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। इतना ही नहीं, रबाड़ा ने 616 गेंदों में ही 50 विकेट लेने का कमाल कर दिया, जबकि उनसे पहले मुंबई टीम के पेसर लसित मलिंगा ने 749 गेंदों पर ये उपलब्धि हासिल की थी। कैप्टन धोनी फिर नाकाम। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से नाकाम रहे और 5 गेंद में 3 रन बनाकर नौतजे का दूसरा शिकार बने। जडेजा और रायडू ने हालांकि आखिरी ओवर में बड़े शॉट लगाकर क्रीज पर धोनी की कमी को महसूस नहीं होने दिया।
दोनों ने रबाड़ा के 19वें और नॉर्थ जे के 20वें ओवर में 16-16 रन बटोरे। जडेजा ने नॉर्थ जे के आखिरी ओवर में लगातार दो छक्के लगाए। दिल्ली के लिए नॉर्थ जे ने दो विकेट लिए, जबकि कंगेस रबाड़ा और तुषार पांडे को एक एक विकेट मिला। ऐसे ही आईपीएल 2020 से जुड़ी हर एक अपडेट खबर के लिए चैनल के साथ बने रही, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा आईपीएल 2020 की हर एक मैच में टीम का प्लेइंग 11, मैच की हाइलाइट्स और ऐसी और भी कई जानकारियां मिलेंगी। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के साथ लगातार बने रहिए। धन्यवाद।